एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव न्यूज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर मंथ में रिलीज होने वाली बॉलीवुड और साउथ की 10 बड़ी फिल्मों के बारे में, जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो फ्रेंड्स, सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और अब आने वाले अक्टूबर के महीने में आपको कौन कौन सी बड़ी मूवीज देखने मिलेंगी, बताएंगे आपको, जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। दोस्तों, पहले नंबर पर है अक्षय कुमार की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म मिशन रानीगंज। ये एक ऐसे दर्दनाक हादसे की कहानी है जहाँ कई लोगों की जान दांव पर लगी थी। वेल, ये तो आप सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार अक्सर प्रेरित करने वाली कहानियों पर फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी वो 1989 की वो कहानी लेकर आए हैं जहां जसवंत सिंह गिल ने अपनी जान की बाजी लगाकर कई लोगों की जान बचाई थी। दोस्तों, इस फिल्म में आपको अक्षय कुमार जसवंत सिंह गिल के रोल में दिखाई देंगे, वहीं उनकी पत्नी के रोल में परिणीति चोपड़ा नजर आएंगी। रिलीज डेट की अगर बात करें तो 6 अक्टूबर को ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। बात करें हमारी नेक्स्ट मूवी की तो दूसरे नंबर पर है खुफिया। दोस्तों, ये नेटफ्लिक्स की अपकमिंग स्पाई थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा मूवी है जिसका निर्देशन जाने माने फिल्म डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने किया है। इस मूवी में अली फजल एजेंट देव के किरदार में है और उन पर देशद्रोही होने का शक है। ऐसे में ताबू यानी कृष्णा मेहरा, जो कि रो के लिए एजेंट के तौर पर काम करती हैं, उन्हें भारत से गद्दारी करने वाले जासूस का पता लगाने का काम सौंपा जाता है। वहीं आपको बता दें, इस मूवी में ताबू, अली फजल के अलावा वामिका गाबी और आशीष विद्यार्थी भी लीड रोल में दिखाई देंगे। रिलीज डेट की अगर बात करें तो सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर ये फिल्म 5 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। बात करें हमारी नेक्स्ट मूवी की तो दोस्तों 5 अक्टूबर को ही एक और मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है दोनों। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दो अजनबी यानी देव और मेघना की कहानी दिखाई जाएगी, जो पहली बार अपनी दोस्त की शादी में मिलते हैं। इस टाइम पर इन दोनों के दिल टूटे होते हैं और अब ये दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वेल, आपको बता दें, सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल इस फिल्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहे हैं। वहीं उनके साथ फिल्म में पूनम ढिल्लो की बेटी पालोमा लीड किरदार में नजर आएंगी। दोस्तों, पालोमा की भी ये पहली फिल्म है जो कि 5 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अगली फिल्म की बात करें तो थालापति विजय की एक्शन थ्रिलर फिल्म लियो इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। दिग्गज सुपरस्टार के फैंस उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो कि अगले महीने 19 अक्टूबर को पेन इंडिया रिलीज होने वाली है। दोस्तों, लोकेश कांगराज की इस फिल्म में संजय दत्त विलेन बने हैं जो KGF में यश के बाद अब लियो में विजय से पंगा लेते नजर आएंगे। वेल, बात करें हमारी नेक्स्ट मूवी की तो ये होने वाली है यारियां 2। दोस्तों, ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्शन किया है राधिका राव और विनय सापरू ने। आपको बता दें, ये फिल्म 2014 में आई यारिया का सीक्वल है। यारिया 2 में दिव्या कौशल कुमार, मिजान जाफरी, वरीना हुसैन और प्रिया प्रकाश वॉरियर जैसे स्टार्स नजर आएंगे। दोस्तों, ये फिल्म लव ट्रायंगल पर आधारित होगी जिसमें एक लड़की के इर्द गिर्द दो कजिन भाइयों की कहानी हमें देखने को मिलेगी। रिलीज डेट की अगर बात करें तो 20 अक्टूबर को ये मूवी सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बात करें हमारी नेक्स्ट मूवी की जो होने वाली है टाइगर श्रॉफ की साईफाई फिल्म गणपत। इस फिल्म को लिखा है और डायरेक्ट किया है विकास बहल ने, साथ ही उन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। दोस्तों, फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ लीड रोल में होंगी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कृति सैनन, साथ ही गणपत मूवी में अमिताभ बच्चन और एली अब्राम भी अहम किरदार में नजर आएंगे। रिलीज डेट की अगर बात करें तो 200 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी 20 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और साथ ही आपको बता दें, 27 सितंबर को इस फिल्म का टीजर भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। हमारी नेक्स्ट मूवी होने वाली है साउथ एक्टर रवि तेजा की अपकमिंग फिल्म टाइगर नागेश्वर राव। दोस्तों, अमीरों को लूटने और लूट का सामान गरीबों में बांटने वाले डकैतों पर कई फिल्में आपने देखी होंगी, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक ऐसा शख्स भी हुआ है जिसे वहां पर रॉबिन हुड कहा जाता था। स्टुअर्ट पुरम के गोगरी नागेश्वर राव को टाइगर के नाम से भी जाना गया और अब इस डकैत टाइगर नागेश्वर राव की कहानी को फिल्मी पर्दे पर लेकर आ रहे हैं रवि तेजा। फ्रेंड्स, इस पीरियड ड्रामा मूवी में आपको अनुपम खेर, रेणु देसाई, नुपुर सेनन, गायत्री भारद्वाज और मुरली शर्मा जैसे स्टार्स देखने मिलेंगे। रिलीज डेट की अगर बात करें तो ये पेन इंडिया फिल्म 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वेल, बात करें हमारी नेक्स्ट मूवी तेजस की तो दोस्तों रोनी स्क्रूवाला के RSVP मूवीज के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन सर्वेश मेवाड़ ने किया है। ये मूवी पहले 2022 में ही रिलीज होने वाली थी। बीते साल ये भी कहा गया था कि मेकर्स इस फिल्म को सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे, हालांकि अब ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इसी के साथ आपको बता दें, फिल्म में भारतीय वायुसेना की महिला एयरफोर्स पायलट तेजस गिल की कहानी को दिखाया जाएगा। तेजस गिल के किरदार में कंगना फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस करती नजर आएंगी। कंगना के अलावा फिल्म में अंशुल चौहान, वरुण मित्रा और पंकज त्रिपाठी भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। रिलीज डेट की अगर बात करें तो ये मूवी भी 20 अक्टूबर को ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। दोस्तों, हमारी अगली फिल्म होने वाली है 12th फेल। ये एक बायोपिक सोशल ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है विधु विनोद चोपड़ा ने। 12th फेल मूवी IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और IPS अधिकारी श्रद्धा जोशी के शानदार सफर को दर्शाएगी। दोस्तों, 12th फेल दुनिया के सबसे मुश्किल
कॉम्पिटेटिव एग्जाम यूपीएससी के लिए ट्राई करने वाले लाखों स्टूडेंट्स की सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड है। वहीं इस मूवी को रियल लोकेशन पर शूट किया गया है एंड 12th फेल मूवी यूपीएससी के छात्रों के जीवन, उनके सब्र, इंटीग्रिटी, कड़ी मेहनत और उनके बीच की गहरी दोस्ती को भी दिखाएगी। रिलीज डेट की अगर बात करें तो 27 अक्टूबर को ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। वेल, इस वीडियो की हमारी लास्ट मूवी है थैंक्स फॉर कमिंग। दोस्तों, ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है करण बोलानी ने, और साथ ही आपको बता दें अनिल कपूर और उनकी बेटी रिया कपूर ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। वहीं फिल्म की लीड कास्ट में आपको देखने को मिलेंगी भूमि पेडनेकर, शहनाज गिल, शिवानी बेदी, कुशा कपिला और डॉली सिंह। दोस्तों, थैंक्स फॉर कमिंग लड़कियों के जज्बे को बयां करने वाली फिल्म है, जो प्यार की तलाश में अपनी लाइफ से क्या कुछ चाहती है। फिल्म में इसका फैसला वो खुद करती नजर आएंगी। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें फिल्म के जरिए लोगों को ये दिखाने की कोशिश भी की गई है कि लड़कियों को खुद की लाइफ में क्या करना है, इसका फैसला वो सिर्फ और सिर्फ खुद करने का अधिकार रखती हैं। रिलीज डेट की अगर बात करें तो 6 अक्टूबर को ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो दोस्तों, आप बताएं आप इन सभी 10 मूवीज में से कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड विद पॉजिटिव न्यूज़।